और उस मुकदमे के बाद फैसला होता है, किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद की सजा होती है, तो इस बात का जवाब श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए कि उनकी सरकार में इस प्रकार के मुकदमे लेने की कोशिश क्यों की गई थी। और मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले, निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वालों को जैसी सजा मिलनी चाहिए थी वैसी सजा उनको मिली है और हम इस फैसले का स्वागत। सर, कानपुर हिंसा मामले में तमाम मुस्लिम संगठन कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो बीजेपी के जो लीडर हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है और भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इसमें वो निर्देशित नहीं करेंगे सरकार को, पुलिस को, कि किसके खिलाफ जो अपराध करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपनी बैठक में यही बात कही कि वो उस चीजों से खुश नहीं है जो नूपुर या बाकी लोग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई। मैंने कहा ना कि जो पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए पार्टी ने कर दिया, किसी की खुशी और किसी की नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, उसके हिसाब से पार्टी ने कार्रवाई की है और किसी को भी ऐसे मामले में बोलने का हक नहीं। सर, पहले हम लोग ने सीएनआरसी में देखा था कि लोगों के पोस्टर्स निकले थे, जिन लोगों ने भी वो हिंसा में शामिल थे, अभी कानपुर में देख रहे हैं कि लोगों के पोस्टर्स निकले, कैसे सर? क्योंकि अपराध बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश करने की मानसिकता रखने वालों को जनता ने चुनाव में हरा दिया है, लेकिन अगर चुनाव में हारने के बाद वह इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो कानून सम्मत जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है और की जाएगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।